मंत्री साहब ने बहुत अच्छी तरह से 370 को डिफेंड किया और इतनी अच्छे तरह से किया कि मैं बयान नहीं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट एंड चीफ जस्टिस विल टेक कॉग्निसेंस ऑफ दैट और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिले। सर वो लगातार कह रहे थे कि प्रिंसिपल साहब के लिए राजनीतिक फैसला है इसे जो आज उन्होंने कहा है वो पूरा आपके पास आ गया होगा। राजनीतिक फैसला है इसमें जरूर इसीलिए तो देखा है कि फाइनल डिसीजन जो है इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का और यही है और हमें खुशी है कि बहुत अच्छी तरह से ये पेश किया गया और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ। सर एक सवाल और, अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आप मुझे छोड़ेंगे मुझे भी बोलना है वहाँ बंद करना तो मैं भी वहाँ पे बोलूँ फिर आप सुन लेंगे मैं क्या बोलूँ। सर एक सवाल का जवाब, जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत अहम है चूंकि 370 और 35A को लेकर के हायरिंग चल रही है और सरकार लगातार बिल पर बिल लेकर के आ रही है, क्या इस हायरिंग के दौरान बिल लाना ठीक है? सर कभी भी बिल लाना गलत, कोई बिल नहीं लाना चाहिए जबकि हालत। चलो सर अविश्वास प्रस्ताव तो गिर जाएगा सर जिस तरह के नंबर से पहले ही कहा गया था जब शुरू हुआ तभी पार्लियामेंट के अपोजिशन मेंबर्स ने बात उठाई थी कि साहब जब प्रस्ताव ऐसा पेश किया गया है तो प्रेसिडेंस कोई बिल नहीं ली जाती और कोई बिल नहीं ली जब तक कि इसका फैसला नहीं सर अविश्वास मगर इन्होंने उसको माना नहीं और ये बिल लाते हैं। सर अविश्वास प्रस्ताव तो गिर जाएगा जिस तरह के नंबर से फिर अविश्वास प्रस्ताव गिरे या न गिरे लोगों को बात करने का तो मौका मिलेगा, मुल्क सुनेगा। सर आपको लगता है मणिपुर पर आप प्रधानमंत्री बोलेंगे? क्या बोलना है सर मणिपुर पर आप प्रधानमंत्री बोलेंगे? देखिए प्रधानमंत्री सारे मुल्क के प्रधानमंत्री जरूर बोलना पड़ेगा, वो मणिपुर हो वो नौ में जो हो रहा है गांव में भी आज हुआ है उस पर प्रधानमंत्री को तो अपना कुछ कहना पड़ेगा। ठीक है।